पहले बार इंडियन आइडल के खिलाफ क्रिटिसाइज हुआ है, सभी ने कहा है कि आपके साथ ना इंसाफी हुआ है, सिलेक्ट नहीं हुआ, उसका दुख है या उस पल के लिए सुख है? अभी आप मशहूर हो गए, जो लोग अभी चैंपियन भी इतना इस मुकाम तक नहीं पहुंचे, आप पहुंच गए। जतन धूप लगे आवे तामे छाओ बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा, तू मेरी हीर मैं तेरा राजा। थैंक यू। वो पल कैसे याद है जब हिमेश जी ने आपको ये दिया था, नेहा जी ने दिया था, कैसे याद करेंगे उस पल, क्या हुआ था? उस पल एक्चुअली मैं कोई और सॉन्ग प्रिपेयर करके आया हुआ था, तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा एक सॉन्ग करना है, ऑन द स्पॉट कंपोज करने को बोला, तो हाँ मैं ज़्यादा समय तो नहीं लिया, बस 5-10 मिनट्स लिया मैंने, एंड कंपोजिशन तो यूजली हम लोग करते ही है, तो जो मेरे साथ था मैंने वही गा दिया, उस पर थोड़ा ऐड कर दिया। पहले बार इंडियन आइडल के खिलाफ क्रिटिसाइज हुआ है, सभी ने कहा है कि आपके साथ ना इंसाफी हुआ है, सिलेक्ट नहीं हुआ, उसका दुख है या उस पल के लिए सुख है? अभी आप मशहूर हो गए, जो लोग अभी चैंपियन भी इतना इस मुकाम तक नहीं पहुंचे, आप पहुंच गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, उसमें सेलेक्ट होने का प्रोसेस, सेलेक्ट होना ना होना वो तो जज के ऊपर है, एंड जितना मेरे को पता है वहाँ पे सभी मेरे तरफ से तो फेयर था जो भी था, क्योंकि कंटेस्टेंसी थी, तकड़े थे, तो उनको किसी ना किसी को तो ऑब्वियसली जाना हुआ, तो मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये अनफेयर हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस जजेस के हाथों में था, जजेस को अगर मेरा वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा हुआ तो उन पे शायद कुछ पॉइंट्स मेरे कट गए, और बाकी कंटेस्टेंट्स तो ऑलरेडी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने सीखा हुआ है सही तरीके से, तो अभी हाँ ये तो आप लोगों का प्यार ही है जो अभी इतना मेरे को मिल रहा है, और उससे ज़रा तो मैं कुछ नहीं बोलना पाया, और बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि अभी जो वहाँ पे कंटेस्टेंट्स है एंड आप हैं, आप उनसे ज़्यादा मशहूर, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, उन लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ बस। सिचुएशन वाला उस गाने ने आपका ज़िंदगी शायद बदल दिया है, सभी इंडिया के सभी लोग आपको प्यार करने लगे हैं, सभी ने सुने हैं, उस पल के लिए आपको क्या टर्निंग पॉइंट मानते हैं अपना जीवन का? यस हाँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एक नेशनल टेलीविज़न पे अपना आपको मैंने प्रेजेंट किया था, तो ऑब्वियसली वहीं से मैं तो यूजुअली मैं गाने कंपोज करता ही हूँ, खुद लिखता भी खुद हूँ, तो ये तो मैं पहले से करते आ रहा हूँ नो डाउट, फिर भी एक आई मीन इन ए बिग वे लोग मुझे जो मैंने टैलेंट शो किया था उसके थ्रू पहचाने लोग मुझे, तो या इट फील्स गुड, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपका काम को कोई आई मीन अच्छा पा रहा है, आपका कोई आप जो आप काम कर रहे हो आपको अच्छा पा रहा है, तो ऑब्वियसली एक मोटिवेशन मिलता है लोगों से। ओ नादान परिंदे घर आ जा।